हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जेन गार्डन बनाने का सिंपल आइडिया देखेंगे। जेन गार्डन के लिए क्या क्या लगेंगे, देखिए इस तरह के पत्थर लगेंगे जो कि रॉक बैलेंसिंग के लिए यूज आएंगी। कुछ आर्टिफिशियल जो है पेड़ पौधे लगेंगे, फ्लावर्स लगेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे नेचर को। इस तरह का रेक लगेगा जिसे मैंने स्क्यूअर और एक स्केच पेन के ढक्कन के मदद से बना लिया है। आप चाहे फोक की भी यूज कर सकते हैं। बुद्धा की आइडल जो रिप्रेजेंट करती है पीस को। कैंडल्स लगेंगी, टी लाइट कैंडल्स, जिससे कि आप एकदम काम महसूस करें। तो यहाँ मैंने इस तरह से जो है कार्डबोर्ड का एक बॉक्स का लिड ले लिया है। इसमें हम इस तरह से रेती डाल देंगे। ये रेत जो है मैंने समंदर से लिया है। बीच का जो सैंड होता है वो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ। जेन गार्डन में जो है सैंड रिप्रेजेंट करता है पानी को। तो यहाँ जब आप इस पे रेक से जब आप पैटर्न्स बनाएंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा फ्लोइंग वाटर को। अब इसमें एक मैंने इस तरह से पत्थर लगा दिया एंड उस पे मैं इस बुद्धा की स्टैचू को जो है प्लेस कर रही हूँ। इस तरह से लगा दिया। अब इसके आसपास हम थोड़े बुशेस लगा देंगे, कुछ फ्लावर्स लगा देंगे। फ्रेंड्स, ज़ेन गार्डन एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है जापान से, जिससे कि हेल्प होती है मेडिटेशन में। देखिए इस तरह से कुछ पत्थर है, कुछ स्टोन्स है, वो मैं इस तरह से अलाइन कर रही हूँ। इसका मीनिंग ये हुआ कि छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए हम अपने इनर पीस तक पहुँचेंगे। कुछ मैंने यहाँ पे शेल्स का उपयोग किया है ताकि इसे और अच्छा दिखने में मदद हो जाए और अट्रैक्टिव सा ये बने। कुछ पत्थर हैं यहाँ, मैं स्टोन बैलेंसिंग के लिए इन्हें लगा रही हूँ। इस तरह स्टोन्स को बैलेंस करते हुए हम अपने आप को जो है स्टेबल महसूस करते हैं, अपने आप में एक बैलेंस महसूस करते हैं। ये पत्थर जो है दर्शाते हैं आइलैंड को। कुछ कलरफुल स्टोन्स ऐड कर देंगे। तो अब ये पैटर्न बनाने के लिए रेक लगेगा। तो ये रेक जो है मैंने स्केचपेन का जो ऊपर का टॉप होता है उसमें मैंने इस तरह से होल्स बनाकर स्क्यूअर्स लगा लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी वुडन फोक भी यूज कर सकते हैं। अब इन आइलैंड्स के आसपास हमें इस तरह से इस रेक से जो है इस तरह से पैटर्न्स बनानी है। तो आप देखेंगे कि जब आप ये पैटर्न्स बनाते हैं तो आप अपना जो ब्रीदिंग है वो एकदम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन जो है इन पैटर्न्स को बनाने में लग जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब रॉक बैलेंसिंग के लिए, देखिए इस बैलेंसिंग के लिए जो है आपको बहुत सारा स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ ये गिर गया है तो मैं फिर से इन्हें लगाऊंगी, फिर से इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या है कि हम हमारे लाइफ में जो है स्टेबल हो जाएंगे, हमारे थॉट्स जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, हमारे गोल्स अचीव करने के लिए हम ज़्यादा माइंडफुली अवेलेबल रहेंगे। आप देख सकते हैं कितना पीसफुल है ये जेन गार्डन। इसमें बस एक आप दिया लगाएं कामनेस के लिए एंड मेडिटेशन के लिए, ये जेन गार्डन का तरीका ज़रूर अपनाएं। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू गिव दिस अ ट्राई।